हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में मैं टीओसी और ऑन डिमांड वाले बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। सो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि टीओसी और ऑन डिमांड के लिए अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है आप लोगों के लिए कि आप लोग के एग्जाम के लिए क्या किया जाएगा, कैंसिल करके प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब तक 12th का नोटिस नहीं आ जाता उसके पहले जो है आप लोग का टीओसी ऑन डिमांड के लिए नहीं कोई भी ऐसा नोटिस आएगा। एक्चुअली सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है कि एनआईएस बोर्ड हर एक डिसीजन लेने में, डिसीजन ले भी लेता है तो नोटिस निकालने में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लेट करता है। सीबीएसई का यहाँ पे यह था कि 1 जून को जो है मोदी जी ने साफ कह दी कि बच्चों के एग्जाम कैंसिल करके प्रमोट किया जाएगा क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं एग्जाम देना, तो ये चीज़ डिसाइड हो गई और नोटिस जो है उसके अगले दिन ही सीबीएसई बोर्ड का आ गया। और आज जो है एनआईएस बोर्ड को 3-4 दिन निकल चुके हैं, एनआईएस बोर्ड ने अभी तक यही नोटिस नहीं निकाला 12th वाले बच्चों के लिए कि उनके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोशन की बात तो दूर की बात है कि बाद में बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जब तक 12th वाले बच्चों का, आप लोग का सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का नोटिस नहीं आ जाता कि बच्चों को एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट किया जाएगा और उनका किस तरीके से उन्हें प्रमोट किया जाएगा, वो सारे नोटिस जब तक नहीं आ जाते तब तक टीओसी ऑन डिमांड के लिए जो है कुछ भी क्लियरिटी नहीं कर सकते। बाकी ये हो सकता है कि जब 12th वाले बच्चों का नोटिस आए कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए तो उसी में ऑन डिमांड और टीओसी वालों का भी डिसीजन लेकर के एक बार में नोटिस निकाल देना चाहिए कि टीओसी और ऑन डिमांड कभी फाइनल कर दिया जाए कि उनके एग्जाम नहीं लेने हैं, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस होगा उसमें भी बता दिया जाए कि मतलब 12th वाले बच्चों को टीएमए के बेस पे प्रमोट किया जाएगा, ऑन डिमांड और टीओसी को जिसके हिसाब से भी प्रमोट करना है। मतलब कि टीओसी को लेकर डिस्कशन तो जरूर चल रहा है कि टीओसी का ये सोचा जा रहा है कि लास्ट ईयर के जो मार्क्स थे उसका एवरेज निकाल करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और ऑन डिमांड को भी प्रमोट करने की बात चल रही है। अब आप लोग के एग्जाम तो नहीं होंगे लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नोटिस आना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड का आया है, तो सारे बच्चे यही इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी यही इंतज़ार कर रही हूँ कि एनआईएस बोर्ड इतने दिन निकल चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं डिसीजन आए हुए, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि बच्चों के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से नोटिस निकालने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। लेकिन स्टिल आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है हमेशा से एनआईएस बोर्ड जो हर चीज़ लेट ही करता है, सीबीएसई बोर्ड का पहले हो जाता है उसके बाद जो है एनआईएस बोर्ड का डिसीजन आता है। सो आएगा जरूर नोटिस, लेकिन अब कब आएगा उस चीज़ का इंतजार है कि ऑफिशियल नोटिस जल्द से जल्द आ जाए तो बच्चों के मन में जो क्लियरिटी है वो चीज़ सही हो जाए, जो मन में अभी बहुत सारे डाउट्स बच्चों के चल रहे हैं वो चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो अपने आगे का जो सोच रहे हैं। फिलहाल आप लोग अपने आगे का सोचिए, जो भी आप लोग को करना है, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुके हैं, बस नोटिस का इंतजार है, लेकिन आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने आगे का सोचिए, जो भी आप लोग को अपना आगे जाकर आफ्टर 12th करना है या टीओसी वगैरह जितना भी ऑन डिमांड सबका एग्ज़ाम दे करके प्रमोट होने के बाद जो उसके आगे नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए सोचिए आप लोग, ठीक है। और वक्त पर सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोई न्यू नोटिस, कोई अपडेट आप लोग के लिए आता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।